हेलो फ्रेंड्स, आई एम भाविनी मिस्त्री। वेलकम टू माय चैनल एट दी कुकिंग हाउस। आज की हमारी रेसिपी है तिल गुड़ के लड्डू। हम ये संक्रांति के पवन अवसर पे ये रेसिपी बनाने वाले हैं। बहुत ही हमारी ये क्रिस्पी एंड डिलीशियस ये रेसिपी बना के रेडी करने वाले हूँ। वैसे ही आप घर में बना के जरूर ट्राई करना। आज आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए हम ये रेसिपी बनानी शुरू करते हैं। तिल गुड़ के लड्डू बनाने के लिए मैंने ये एक पैन लिया है। पैन को मैंने गर्म कर लिया है। ये पैन में मैं एक बाउल जितना गुड़ ऐड कर लेती हूँ। मैंने देसी गुड़ ऐड कर रही हूँ मैं इसमें। गुड़ हमारा अच्छे से पिघल जाए इसके लिए मैंने 2 चम्मच इतना पानी ऐड कर लिया है। अभी ये गुड़ को मैं अच्छे से पिघला लूँगी। हमारा ये अच्छे से पिघल जाए तब तक उसको मैं मिक्स करती रहूँगी। देखो अभी हमारा ये गुड़ पिघल के रेडी हो गया है। अभी इसको मैं और थोड़ा पकाऊँगी। हमारा गुड़ थोड़ा हल्का हो जाए तब तक इसको मैं पकने लूँगी। अभी हमारा ये गुड़ हल्का हो जाए तब तक उसको मैं पकाऊँगी। ये हमारा कलर भी चेंज हो रहा है। अभी इसमें मैंने रोस्ट किया हुआ एक बाउल तिल ऐड कर रही हूँ। मैंने पहले से ही रोस्ट कर लिया था। तिल ऐड हो जाने के बाद मैं इसको अभी मिक्स कर लेती हूँ। हमारा ये तिल मिक्स हो गया है। तभी इसमें मैं 1 बाउल हाफ बाउल जितना रोस्टेड सिंगदाना आता है वो ऐड कर लेती हूँ। मैंने पहले से ही रोस्ट करके रखा है ये सिंगदाना को, वो मैं ऐड कर लेती हूँ अभी। अभी इसको मैं अच्छे से वापस मिक्स कर लेती हूँ। हमारा ये तिल गुड़ और सिंगदाना अच्छे से मिक्स होना चाहिए। अभी हमारा ये लड्डू बनाने के लिए बैटर रेडी हो गया है। तो मैं अभी उसको गर्मा गर्म ही लड्डू बना लेती हूँ। उसको मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ। लड्डू बनाने से पहले मैं पहले हाथ को पानी से ग्रीस कर लेती हूँ। मैं इसमें घी या तेल का यूज़ नहीं करूँगी। ओनली पानी से ही मैं हाथ को ग्रीस करके उसके छोटे छोटे पार्ट लेके लड्डू बना लेती हूँ। मैं एक चम्मच जितना ही मैं उसका बैटर लूँगी और राउंड राउंड करके उसका बॉल जैसा बना लेती हूँ। हम बहुत छोटा ही रखेंगे, बहुत बड़ा नहीं करेंगे। तो देखो अभी मैंने ये लड्डू बना लिया है। तो देखो अभी हमारा ये लड्डू कितना अच्छा दिख रहा है। ये आप घर पे बना के एक बार जरूर ट्राई करना। ऐसे ही मैं सब लड्डू बना लिया है अभी। तो इतना अच्छा हमारा ये लड्डू बन के रेडी हुआ है कि आप खाते रह जाओगे। आज आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।